वेलकम हीलिंग पर्स ट्रिपल सेवन फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापिस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले अपने ऑप्शन आप देख ही चुके होंगे, एक बार दोबारा देख लीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। और साथ ही साथ आज के दिन बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको बीच बीच में आवाजें आ सकती हैं। अगर आवाज आती है तो प्लीज उसको इंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल भी माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि बच्चों पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उनकी आवाज को इंजॉय करते हुए इस रीडिंग को हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कार्ड मैंने अभी अभी लिए हैं रीडिंग को शुरू करने से पहले। इनको बाद में देखेंगे, पहले आपके टैरो कार्ड देख लेते हैं। और साथ ही साथ हर पाइल को करने से पहले मैं ये कार्ड लूंगी, तो हो सकता है कि आपने कोई अदर पाइल चूज किया हो या आप करें और उसमें कार्ड रिपीट हो जाए। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये कार्ड रिपीट हो गया, हर पाइल को स्टार्ट करने से पहले मैं ये लूंगी तो वो कार्ड रिपीट हो सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रहे हैं। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। थैंक यू साईं बाबा आपके प्रेजेंस के लिए। ओके तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो आपके लिए 4 कार्ड ले लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ सोर्स का कार्ड। तो आपके कार्ड से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। बहुत सारी खुशियों की बात करता है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। आपकी जो थीम रहेगी इस वीक की, अपनी खुशियों पर फोकस रहेगा। अपने आप को नर्चर करना चाहेंगे और करते रहेंगे, अपने आप को अलाइनमेंट में लेके जाएंगे और अपने आप को लगातार आगे आप बढ़ाते रहेंगे। जो कुछ भी करेंगे उसमें अपनी खुशियों को, अपने इमोशंस को आप प्रायोरिटी देने वाले हैं और उसकी तरफ आपका फोकस रहने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अचीवमेंट आपको मिले या फिर कुछ आपके मन का हो जाए, जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, आप प्रतीक्षा कर रहे थे किसी न्यूज़ की, वो आपको मिल सकती है और यहाँ पर आपको वो अपने पक्ष में होते हुए दिखाई दे सकती है। आपके गुड कर्मास के रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं और उसकी वजह से आप किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके परिवार में खुशियाँ भी नजर आ रही हैं। तो एक बार आपके लिए यहाँ पर क्लैरिफायर ले लेते हैं इनके क्या कह रहे हैं ये कार्ड आपसे। तो यहाँ पर साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या क्लैरिफायर देना चाहते हैं जस्टिस कार्ड के लिए। बहुत खूबसूरत, साईं बाबा आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है एक्चुअली आपकी, बहुत बहुत खूबसूरत। साईं बाबा ऑप्शन 1 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके ओके, बहुत ही खूबसूरत हफ्ता रहने वाला है आपका। जस्ट बी योरसेल्फ, अपने किसी शैल से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो ये कार्ड्स हैं ये टोटली आपकी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, आपके लिए खुशियों की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ खुश होने के लिए ये जरूरी है कि आप टेंशन को जाने दें। तो आप बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय करने वाले हैं, अपने आप को इंजॉय करने वाले हैं, अपने आप पर आप यकीन भी करने वाले हैं। अगर पिछले कुछ समय में आपका कुछ विश्वास अपने पे से खोया है या फिर आपने अपनी प्रतिभाओं पे शक किया है, तो वो चीज़ें भी आपके लिए अलाइनमेंट में जरूर आएंगी और उसमें आप एक खुशी भी महसूस करेंगे। कि शेयर के कार्ड के ऊपर ही 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, टोटली सेलिब्रेशन की बात करता है। तो किसी ना किसी चीज़ को आप डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे या फिर लोगों के साथ में आपका कनेक्शन बहुत खूबसूरत रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जॉब से या कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, कोई सा भी एरिया जिसके लिए आप काफ़ी वक्त से प्रतीक्षा कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए उनकी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है। कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है इस हफ्ते में जो कि आपके हफ्ते को खुशनुमा बना सकती है। कुछ लोगों के हो सकता है कानूनी कोई वाद विवाद चल रहे हो, उसका फैसला भी आपके हक में हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार ब्लॉकेजेस भी ले लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रही हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए आपके वीक की। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। वैसे बहुत ही खूबसूरत, ओके 2 ही कार्ड लेने थे और 2 आ गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो
बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है जस्ट बी योरसेल्फ का, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए द मास्टर का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो अपनी ही एनर्जीज के अंदर आप रहने वाले हैं और अपने आप को अलाइन करके रखने वाले हैं। बस आपको अपने आप को नर्चर करते रहना है, किसी भी चीज़ में आपको जहाँ मेहनत करनी है वो लास्ट टाइम की मेहनत आपको नहीं छोड़नी है इस हफ्ते में। तो अगर आप सोचें कि लास्ट टाइम पे कुछ करते करते आप छोड़ देंगे तो उस चीज़ से बचिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि इस तरह का कोई काम आप ना करें जिसको करते करते आप बीच में छोड़ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी लगन और मेहनत की बात करता है, आपके हार्ड वर्क की बात करता है और आपके लिए फुलफिलमेंट की एनर्जीज की बात भी करता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी प्रतिभाओं के द्वारा आपको मिलने वाला है, आपके कर्मों के द्वारा आपको मिलने वाला है, कुछ अचीव करने वाले हैं आप, जिसके लिए आप काफी वक्त से टेंशन में थे और आप वेट कर रहे थे। गाइडेंस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपके लिए होंगी जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाली हो सकती हैं, या फिर जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको फ्री फ्लो में जाना है या फ्री फ्लो में रहना है, अपने आप पे शक नहीं करना है और आपको अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। तो अपने अपने आप को आप स्ट्रेस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसा भी जो कुछ भी आगे होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, इसका विश्वास आपको होना चाहिए। आपकी रीडिंग में यहाँ पे द सन का कार्ड है, लेकिन ये हमने ब्लॉकेजेस देखी हैं, ब्लॉकेजेस में है, तो लाइफ का ब्राइट साइड आपको लगातार देखना होगा। कोई भी चीज जो आपको हताश या निराश करती हो उससे आपको इस हफ्ते में दूर रहने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं, और उनकी यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको लोगों के साथ चीजों को शेयर करना है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपकी खुशी है या आपके अंदर कोई बात है आप उसको अपने अंदर ही दबा लें। वैसे भी यहाँ पे कार्ड है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील, तो आपका चाहे परिवार हो चाहे वो आपके लिए कोई अदर रिश्ता हो, जैसा भी आप महसूस करें उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात है जो कि आप नहीं कर सकते, तो आप एक बार एनालाइजेशन कीजिएगा सारी सिचुएशन का, और उसमें आप ये देखिएगा कि किस तरह से क्रिएटिव वे में आप उन तक वो बात पहुंचा सकते हैं, अगर कहनी जरूरी है ही तो। तो यहाँ पे अपने परिवार के साथ एक आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आप करके चलेंगे और सही को सही और गलत को गलत करके रखेंगे। ओवरऑल आपका ये वीक बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए जो यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है सैक्रल चक्र का। ये कार्ड कहता है कि आपके क्रिएटिविटी और पैशन की तरफ आपका फोकस रहेगा। अगेन ये कार्ड उसी एनर्जीज की बात कर रहा है जहां पर आपका फोकस प्लेजर के ऊपर रहेगा, खुशियों के ऊपर रहेगा, अपने आप को नर्चर करने के ऊपर रहेगा, और जो वर्ल्ड की चीजें हैं, ये सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं हैं, उनकी तरफ रहेगा। आराम करने की तरफ आपका फोकस रह सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा ही रिलैक्सेशन वाली एनर्जीज का फ्लो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही रिलैक्स होने वाले हैं इस वीक के अंदर, और आपको इससे बहुत खुशी भी मिलेगी। आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको एक अलाइनमेंट में लेकर आएगा, आपकी खुशियां आपको मिलेंगी, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है आपके लिए। 11-11 का पोर्टल डेफिनेटली चेंजेस लेकर आया है, अगर नहीं लेकर आया है आपको ऐसा लगता है तो अभी वो जो बदलाव है आप अपने जीवन में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली 11 का कार्ड ही है यहाँ पे, और ये कार्ड भी 11-11 पोर्टल की बात करता है। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बदला है या बदल रहा है, और उसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। लाइफ को इंजॉय करने से पीछे नहीं हटिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको स्ट्रेस को हटाना है, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, पैशन पे फोकस करना है, साथ ही साथ जो चीजें आपको उत्साह देती हैं, एनर्जी देती हैं, इंजॉयमेंट देती हैं, बस उसी की तरफ आपका फोकस रहना चाहिए। अपने माइंड को टोटली डाइवर्ट कर लीजिएगा किसी भी ऐसी बात से जो कि आपको स्ट्रेस देती है। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है गेटिंग टू नो ईच अदर का, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपेंस। जैसे कि आपके लिए कार्ड है ही कि अपने परिवार में, अपने रिश्तों में आपके लिए बात करना जरूरी होगा। कुछ लोग किसी नए रिश्ते में जा सकते हैं, मे बी आप में से कुछ लोग किसी को प्रपोज करें या किसी की तरफ से प्रपोजल आ जाए जिसका आप काफी वक्त से वेट कर रहे थे। लेकिन जो कुछ भी है रिश्तों के लिए ये बहुत अच्छा है, और अगर आप किसी के साथ कोई रिश्ता गहरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो आप बढ़ सकते हैं, अपने किसी पार्टनर से बात कर सकते हैं, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, अपने पार्टनर से बात कीजिएगा, लेकिन उसको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कीजिएगा, यानी कि फोर्सफुली किसी रिलेशन में जाने के लिए उस किसी पार्टनर को अपने मजबूर नहीं कीजिएगा। आप एक दूसरे को समझिए, जानिए, अपनी फीलिंग्स कहिए, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनकंडीशनल जॉय का मैसेज है आपके साथ ही, देख रही हूँ ये कार्ड, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो बहुत खुशनुमा है, खुशियों से भरा हुआ है, और आपको आर्चेंजल राफेल से अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी यही प्रेयर करनी है कि आपकी लाइफ में आप
सभी चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकें, आर्च एंजल राफेल इसमें आपकी मदद करे, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ मुझे आपके लिए इस वीक में दिखाई दे रही हैं और आप बहुत 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 खुश रहने वाले हैं। तो आपको अपने इस नेक्स्ट 7 डेज की बहुत बहुत मुबारक हो इन इमोशंस की, इन फीलिंग्स की। ईश्वर करे कि इसमें जो भी कहा गया है आपके लिए पूरा हो, आपको ये ब्लेसिंग्स और खुशियाँ जरूर मिलें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है साईं बाबा की तरफ से नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो ये कार्ड मैंने लिए हैं रीडिंग को शुरू करने से पहले आपकी। तो हो सकता है कि पिछले जो पाइल किया है उसमें से कार्ड रिपीट हो गए हों, क्योंकि हर पाइल को स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड्स ले रही हूँ, तो कुछ कार्ड हो सकता है कि इन दिनों में से रिपीट हो जाएं। तो अगर आप कोई अदर पाइल सुनकर यहाँ पर आए हैं तो उसकी तरह से माइंड नहीं कीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि कैसे आ गया यहाँ पे। तो ये आ सकता है क्योंकि मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन कार्ड्स को ले रही हूँ। तो देखते हैं साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो साईं बाबा ऑप्शन 2 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए साईं बाबा। ओके, तो साईं बाबा आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए, क्या बताना चाहते हैं। वाओ, साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को। वाओ, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है वाओ कार्ड, 8 ऑफ कप्स का। आपके सारे कार्ड्स वाओ हैं। हो सकता है कि अभी आपको लग ना रहे हों लेकिन वाकई में वाओ ही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। तो एक बार क्लैरिफायर भी ले ही लेते हैं साथ के साथ इनके। ओके, तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ओके, तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप एक या ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों यहाँ पे। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट टाइम। ओके ओके कह रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतना ओके कह रही हूँ और इसमें भी मैसेज आया है इट्स ओके टू बी डिफरेंट। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। एक्सरसाइज का यहाँ पर मैसेज है, बॉटम ऑफ द डेक है, वेरी सून का मैसेज। और एक बार आपकी ब्लॉकेजेस वाले कार्ड भी ले लेते हैं कि क्या पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं आपके पास में नेक्स्ट 7 डेज में। ट्रस्ट का मैसेज है, तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। इनर वॉइस का मैसेज है, गिल्ट का मैसेज है। ओके ओके, नथिंग एज का मैसेज है, बहुत खूबसूरत कार्ड है द क्रिएटर का। लेकिन ये कार्ड ब्लॉकेजेस के कार्ड में आया है तो इसकी तरफ भी फोकस आपको जरूर करना चाहिए। इनकी अपने आप को सोर्स से जोड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, किसी भी बात से अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपने इमोशंस को आप महसूस नहीं कीजिएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा देर तक वो आपके ऊपर हावी ना रहें और उसकी एनर्जी में आप स्टक ना रहें। वैसे नहीं रहने वाले हैं क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए किसी चीज़ की एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का जन्मदिन भी हो सकता है कि इस मंथ में पड़ रहा हो या इस हफ्ते में पड़ रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप पिछले काफी वक्त से एक यात्रा करते हुए आ ही रहे हैं और आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आपका ट्रस्ट किसी भी लेवल पे इस हफ्ते में डामाडोल होता है तो ट्रस्ट कीजिएगा कि आपकी सिचुएशन यहाँ पे बदलेगी। और अगर किसी कारण या किसी सिचुएशन के कारण आपका किसी से कोई वाद विवाद होता है या कोई आपसे कुछ कह देता है तो उसकी बातों को अपने दिल पे नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर उसकी बातों को दिल पे नहीं लगाएंगे तो फिर आप बैलेंस में रहेंगे, अगर अपने दिल पे लगा लेंगे तो फिर आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप किसी की भी बातों को अपने दिल पे बिल्कुल भी ना लगाएं। और कुछ लोग जो दिल पे लगाएंगे उनको भी फायदा है, वैसे उनको नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा ये है कि उनको जीवन को देखने का एक दूसरा नजरिया मिलेगा या फिर वो चीजों को दूसरे नजरिए से देख पाएंगे। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अपनी गलतियों से सीख लेते हैं या फिर सीख कर आगे बढ़ते हैं। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इतने खूबसूरत कार्ड हैं आपके। इसके बाद तो शायद
कुछ कहने की बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ऑप्शन वन की रीडिंग भी बहुत ही खूबसूरत थी और आपकी रीडिंग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अलाइनमेंट वाली है। आपकी जर्नी कोई कंप्लीट हो रही है, आपकी विशेज पूरी हो रही हैं। आपके लिए ये भी कुछ ना कुछ विक्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जहां पर आपको किसी चीज को समझने का या देखने का नजरिया मिलेगा और आप उन चीजों को साफ साफ देख पाएंगे जिनको अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। कुछ मामलों में आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी इनर वॉइस को आप जरूर सुने। आपकी इनर वॉइस हमेशा ही आपको सही रास्ते पे गाइड करती है और ये कार्ड है ब्लॉकेजेस में, तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना जरूरी होगा। आपके लिए ये चीजें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड में आपके लिए कंप्लीशन है। यहाँ पे आप किसी चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रखिएगा इस सारी सिचुएशन में कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या फिर आपसे किसी ने कुछ कह दिया है और वो आपने अपने दिल पे लगा लिया है। आपकी लाइफ में कोई आपकी विशेष यहाँ पे पूरी होने वाली है, आप अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, लेकिन ये जो ब्लैंक पेज है ये आपको मिल रहा है। ये आपका ये जो कार्ड है ना, ये आपके ब्लॉकेजेस में है। और सच कहूँ तो मुझे, मैं अपना एक्साइटमेंट शो नहीं कर रही हूँ आपको, एनर्जीज ऐसी, बहुत ही एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि जंप करना चाहिए चेयर से, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ लिटरली। ये आप ही कर लीजिएगा क्योंकि आपकी ये कार्ड एक्चुअली ना आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट के बराबर में है। हालांकि ये कार्ड वो है नहीं, लेकिन ये आपकी विश फुलफिलमेंट की बात यहाँ पे कह रहा है। ये एक ब्लैंक पेज है, इस पर आप क्या लिखना चाहते हैं। अब ये जीवन जीने का या देखने का नजरिया आपका है कि आप इस हफ्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में आएंगी या जो परेशानियां आप फेस करेंगे उनको आप इस ब्लैंक पेज की तरह लेंगे। उसमें आप अपनी विशेष लिख सकते हैं या फिर आप उनको एक सैडनेस वाली एनर्जीज में लेंगे, जहां पर आप ये देखेंगे कि आपके लिए तो सब कुछ ब्लैंक हो गया है, आगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रास्ता आपके लिए बंद है और आप किसी न किसी चीज का गिल्ट लेते रहेंगे। तो अगर आप गिल्ट वाली एनर्जीज में रहेंगे, अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे, तो आपके लिए ये सारी एनर्जीज हैं जो कि आपके इस हफ्ते में आपके लिए रहेंगी। यानी कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे और आपको किसी न किसी बात का गिल्ट रहेगा, या फिर अपने आप को आप बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे और आपके लिए ये एक एम्प्टीनेस या फिर आपके लिए ये फिर एक ब्लैक एनर्जी है जो कि आपको आपका रास्ता रोक रही है या फिर आपको आगे कुछ देखने नहीं दे रही। अब आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटर का कार्ड, तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है और उसके लिए पैशन भी लगता है, उसके लिए हिम्मत भी लगती है, उसके लिए हौसला भी लगता है और उसके लिए कहीं ना कहीं से आगे भी बढ़ना पड़ता है। आपके लिए यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड है 8 of Cups का और ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी लोग आपके जीवन की यात्रा में आपसे जुड़े हैं, आपके जीवन की यात्रा में आपसे जुड़े हैं, उन सब लोगों को या उनकी बातों को लेकर दुखी होने के बजाय जीवन को एक अलग नजरिए से देखकर आप अपने लिए कोई ना कोई मैजिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ आएगी और आप अपनी विशेष को फुलफिल कर पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स की बहुत अहमियत होती है क्योंकि ये आपकी उन छुपी हुई बातों के बारे में बताते हैं जो कि आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। 8 of Cups का कार्ड आपके 8 of Cups का कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक था। ये सारे कार्ड ही बॉटम ऑफ द डेक थे लेकिन ये सबसे ऊपर था। ये आपकी उस लाइट की तरफ जाने की बात कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये यहाँ पे लाइट की तरफ देख रहा है, इसने सबकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। तो कहाँ से आगे बढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको बिल्कुल जरूरत भी पड़ेगी और आप जीवन को एक नए नजरिए से भी देख पाएंगे। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा है, ये दोनों ही कार्ड यात्रा की बात करते हैं और स्पेसिफिकली ये कार्ड भी विदेश यात्रा की या किसी यात्रा की बात करता है जहाँ पर आप कोई ना कोई काम करने का या अचीव करने का मौका मिल सकता है और इससे आपकी जो विशेष हैं वो भी फुलफिलमेंट में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके लिए ये आपकी विशेष को पूरा करने का, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का समय है जो कि आपकी लाइफ में अब आ रहा है। आप में से बहुत लोग, जो लोग भी इस फाइल को चुनेंगे ना, आप में से बहुत लोग एक्सरसाइज की रूटीन शुरू कर सकते हैं इस हफ्ते में। बहुत स्ट्रांगली आपको इस तरह की इंट्यूशन हो सकती है, आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप डांस से रिलेटेड या फिर जो जुम्बा वगैरह होती हैं उनको आप कर सकते हैं। इनकी कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे यहाँ पे जो कि आपकी बॉडी को फ्लेक्सीबल बनाएगा, आपकी लाइफ में एक एनर्जी के फ्लो को चेंज कर देगा। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अपने जीवन को बदलने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ही जल्दी होने वाला है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वेरी सून का, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। अगर मैं इस कार्ड को इसका क्लैरिफायर मानूं तो जिस भी जगह पे अभी आप स्टक हैं वहां से आप बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर भी लाइट है, सूरज निकल रहा है और यहाँ पर भी आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी सारी ब्राइट लाइट है। तो जिस भी चीज में आप कंफ्यूज रहे हैं अब तक, वो चीजें आपके लिए इस हफ्ते में क्लियर हो जाएंगी या कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जिसकी वजह से वो चीजें आने वाले समय में आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सारी जर्नी जो की है अकेले की है,
जिन लोगों ने भी आपका इस यात्रा में, इस जर्नी में साथ दिया है या दे रहे हैं, उनके लिए हमेशा ही आपको थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है सिक्स ऑफ वांड्स का, ये कहता है कि आपने मेहनत जरूर की है, लेकिन लोगों ने आपको सपोर्ट भी जरूर किया है। उनके सपोर्ट के बिना आप जहां पर हैं उस लाइमलाइट में आप नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उनकी अहमियत को आप नकार नहीं सकते। अगर आप उनकी अहमियत को नकारते हैं या फिर आप उनको लेट गो कर देते हैं अपनी लाइफ से, या फिर आप उनकी वर्थ को नहीं जानते हैं, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें फिर अच्छी नहीं होती हैं। एक ग्राउंड पर भी अच्छी नहीं होती कि जब आपको किसी की ज़रूरत ही आपका किसी ने साथ दिया और उसके बाद आप उसका साथ छोड़ दें, तो दोनों ही तरह से वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपकी जर्नी किसी के साथ कंप्लीट हो गई है, तो उनको थैंक यू जरूर कहिएगा। अगर मिलके नहीं कह सकते तो मन में कहिएगा, मिलके कह सकते हैं तो जरूर कहिएगा। क्योंकि अब आपके जीवन का कुछ ना कुछ ऐसा चेंज यहाँ पर होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है, आपके लिए कुछ नया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और आप खुश हो रहे हैं। और जब आप खुश हो रहे हैं तो आप चीजों को अचीव करने की तरफ जा रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपके जो ब्लॉकेजेस हैं इनकी तरफ ध्यान जरूर रखिएगा। आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कार्ड है। ये कार्ड है आपके लिए धारणा का, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो आपको जो कुछ भी करना है उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अगर कोई भी बात आपका ध्यान भटकाती है तो आपको वापस अपने ध्यान को वहां पे लाना होगा, अपने आप को अपना कंसंट्रेशन बनाना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं या किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे ही आप अपना ध्यान वापस ले आएंगे, वैसे ही आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है ट्रू लव का, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो बॉन्ड है मजबूत होगा अपने पार्टनर के साथ में, और अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है कि आपकी यही विशेष हो कि आपकी लाइफ में कोई आए और कोई आ भी जाए, तो उसके लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। और जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आए या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो ट्रस्ट कीजिएगा कि यूनिवर्स किसी ना किसी वजह से उसे आपकी लाइफ में भेज रहा है। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। जब भी आपको ये लगे कि आपको कोई परेशानी है या फिर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है, आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस हैं उनकी तरफ जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बहुत सही मैसेजेस देती है। आप डर रहे हैं, आप खुश हैं, आपको जॉय फील हो रहा है, चिल फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं, आपको क्या फील हो रहा है, आपको कोई खुशी मिल रही है तो आप क्या फील कर पा रहे हैं, आपको कहीं से आगे बढ़ना है तो आप क्या फील कर पा रहे हैं, आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं कि नहीं, आप अपने गिल्ट से बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी ओवरऑल आपका ये हफ्ता धमाकेदार रह सकता है, और ये कुछ मामलों में बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना होगा कि आप इसको एक ब्लैंक पेज की तरह लेके इसमें कुछ लिखना चाहते हैं जहां पर आपकी विशेष फुलफिल हो रही है, या फिर आप इसको एक ब्लैंक या ब्लैक पेज की तरह लेंगे जिसमें आपके जीवन में कुछ काला अंधेरा हो गया, देखने का नजरिया पूरी तरह से आपका रहेगा। कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चेंजेस जब होते हैं, या हमें कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ता है, या किसी जगह से आगे बढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारे अपने इमोशंस को, अपने रिश्तों को हमें पीछे छोड़ना ही पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लिटरली फिजिकल वे में उनको छोड़ें, हो सकता है कि आपका मन बहुत भर जाए और आप उन सब चीजों से आगे बढ़कर अब सेल्फ लव की तरफ फोकस करें। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी रहने वाली है। ओवरऑल आप जो कुछ भी करेंगे उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने आप पर डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ट्रस्ट रखना है, आपसे कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आपके लिए डिफरेंट होना ओके है, बस इसी बात की तरफ ध्यान रखिएगा। तो होप कि आपके लिए ये 7 days बहुत ही खुशियों भरे रहे, आपके लिए टाइम बहुत खुशियों भरा रहे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 days के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं पहले ही ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, और ये कार्ड्स मैंने लिए हैं वीडियो को स्टार्ट करने के दौरान, यानी कि स्टार्ट करने से पहले ही मैंने ये कार्ड लिए हैं। तो हो सकता है कि कोई कार्ड रिपीट हो जाए, अगर हो जाए तो ये नहीं सोचेगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है। हालांकि कार्ड्स मैंने भी देखे नहीं है, आपके साथ ही देखूंगी। तो साईं बाबा आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 days के लिए, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। जीवन को ना खुल के जीने की आपको जरूरत रहेगी इस हफ्ते में। आपको अपने आप को बैलेंस करना जरूरी रहेगा, और बहुत सारी सिचुएशन आपके लिए ऐसी रहेगी जहां पर आप कभी अपने इनर जॉय पे फोकस करेंगे, कभी आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी पे रहेगा। एक ताना बाना सा बुना रहेगा आपके जीवन के अंदर, और उसी को बैलेंस करने में आप रहने वाले हैं।
यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। हालांकि बहुत ही प्रोडक्टिव वीक रहेगा आपका, यहाँ पर क्लेरिफायर भी ले लेते हैं आपके साथ के साथ ही। साईं बाबा ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपका यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस और गाइडेंस के लिए और आपकी मैसेजेस के लिए। हेलो एंड गुड बाय, बहुत ही खूबसूरत, ये खूबसूरत ही होता है। हेलो एंड गुड बाय खूबसूरत ही होता है, क्योंकि जब तक आप किसी एक जगह से आगे नहीं बढ़ते हैं आपके लिए सिचुएशन चेंज नहीं होती है, आपके लिए कुछ जगहें नहीं बदलती हैं, कुछ हालात नहीं बदलते हैं। तो हेलो एंड गुड बाय हमेशा ही अच्छा होता है, और उसमें अगर हम पॉजिटिव देखने की कोशिश करें तो भी अच्छा होता है, और नेगेटिव ही देखते रहेंगे तो ग्रोथ कैसे करेंगे। कुछ कार्ड्स आपके रिपीट हैं यहाँ पे, वन स्टेप एट ए टाइम का मैसेज है। तो जो कुछ भी करना चाहेंगे उसमें उसमें बस कदम उठाते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, रुकना नहीं है, रुककर हार नहीं माननी है, बस इसकी तरफ ही फोकस आपका रहना चाहिए। ये कार्ड जो हम ले रहे हैं ये आपके ब्लॉकेजेस में है, आपके क्या पॉसिबल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज में, ये कार्ड उनके बारे में है। ओके ओके, आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स का, पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है पेज ऑफ सोर्ट्स का। तो ये आपकी थीम रहेगी पूरे हफ्ते की, यानी कि इस नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जो कुछ भी आप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव आप करते रहेंगे। अपनी पढ़ाई करने वाले अगर आप हैं तो आप पढ़ाई जरूर करेंगे, पढ़ाई करने के नए नए आइडिया भी ढूंढ सकते हैं, और अपने करियर को लेकर भी आपका ब्राइट नजरिया रहने वाला है। अपनी चीजों में आप एक अलाइनमेंट लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों का कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको भी यहाँ पे कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्स देकर अगर आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का तो उसका रिजल्ट भी आपको शायद यहाँ पर मिल सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे हो या ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे हो, क्योंकि वहां से मिले जुले कार्ड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। और अगर आपको पीछे से बच्चों की आवाज आए तो मैंने आपको इंट्रो में ही बताया है कि बच्चे खेल रहे हैं बाहर बहुत सारे, तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप उनकी आवाज को एंजॉय कीजिएगा। और इसी एंजॉयमेंट के साथ हम इस रीडिंग को करेंगे ताकि हमें कोई डिस्टरबेंस फील ना हो। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड कहता है कि पढ़ाई के लिए भी आप में से कुछ लोग आगे जा सकते हैं या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो आप कोई ना कोई परिवर्तन करेंगे इस 7 डेज के अंदर अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को लेकर स्पेसिफिकली, अपना आप दिमाग लगाएंगे कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेजेस में जो कार्ड है ये कार्ड है मास्टर का। तो अगर आपके खुद के कोई मास्टर हैं या फिर आपके कोई टीचर हैं आपको कुछ गाइड कर रहे हैं तो आपको उनकी बात भी जरूर सुननी चाहिए या उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस हफ्ते में जरूर लेनी चाहिए। और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए आप खुद अपने मास्टर हो सकते हैं अपनी लाइफ की या अपनी डेस्टिनी की। आप खुद कोई अपनी लाइफ के लिए या अपनी डेस्टिनी के लिए आप खुद कोई डिसीजन ले सकते हैं और वो लेने में आप सक्षम हैं, लेकिन शायद ये कॉन्फिडेंस किसी ना किसी लेवल पे आप लूज करते रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपसे जो कुछ भी कहा जा रहा है उसकी तरफ एक बार आप गौर जरूर करें, लेकिन फिर भी कोशिश यही कीजिएगा कि जहां से आपको आगे बढ़ना है या अपनी ग्रोथ करनी है उसमें आपको किसी पे कोई शक नहीं करना है, या फिर आपको ये लगे कि आपकी कोई बात नहीं सुनता है या फिर आपको कोई समझता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई समझेगा नहीं, कुछ चीजें शायद आपके भले के लिए होंगी। हो सकता है कि आप थोड़ी छोटी एज के हों और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको इधर से उधर जाना पड़ रहा हो या आपको वापस आना पड़ रहा हो, तो अभी सब चीजों को शायद आप अपने नजरिए से ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। अपने आइडियाज की तरफ फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार कोई ना कोई आइडियाज आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा आपकी रहेगी। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हो कोई साइन करने से पहले उनको डबल चेक कीजिएगा और रिजेक्ट नहीं होइएगा कहीं पर भी इस 7 डेज के अंदर। और आपको यही कोशिश करनी है कि जो कुछ भी सिचुएशन आपके सामने आती है उसे बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आपको टालना है, किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि अगर आपको किसी ने यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की या फिर आपने किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो दोनों ही सिचुएशन में आपको कोई ना कोई एंजाइटी यहाँ पे जरूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है कंट्रोल का, ये भी ब्लॉकेजेस में है। मैच्योरिटी का कार्ड है, ये भी ब्लॉकेजेस में है। मास्टर का कार्ड है, ये भी ब्लॉकेजेस में है। और ये तीनों कार्ड छोटे नहीं है, ये तीनों कार्ड बड़े हैं। आप इनको कोर्ट कार्ड मान लीजिए, बड़े कार्ड मान लीजिए, ये बड़े कार्ड हैं, ये छोटे कार्ड नहीं है। तो आपको किसी ना किसी नई शुरुआत को करना है तो शुरू करने में किसी चीज को झिझकिएगा नहीं, हिचकिचाइएगा नहीं, और शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है 1 स्टेप एट ए टाइम का। तो एक ही कदम उठाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो होती जाएगी।
आपके लिए हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जो कि सरप्राइज में हो और आपको अचानक से झटका लगे और आप उस चीज को समझ ना पाए कि आपके लिए क्या है, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस होने के बाद में कि वो आपके अच्छे के लिए है और आपके लिए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे कार्ड है 10 of Cups का, उसके नीचे कार्ड है 6 of Pentacles का, उसके नीचे कार्ड है 3 of Pentacles का, उसके नीचे कार्ड है 3 of Cups का। तो कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सभी कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं और आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल सिचुएशन की और स्पेसिफिकली इमोशनल सिचुएशन की बैलेंस होने की बात करते हैं। तो जो कुछ भी आपके हफ्ते में रहेगा वो थोड़ा सा आपको बीच बीच में अप एंड डाउन करता रहेगा, लेकिन ओवरऑल आप किसी ना किसी चीज को सेलिब्रेट करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कैंपिंग पे जाएं, या फिर आप कैंप में जाने की सोच रहे हो, या कोई आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, किसी टूर पे जाना चाहते हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने लोगों के साथ में, या अपने माइंडसेट जिन आपकी जैसा हो जिन लोगों का उनके साथ में आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे ना आप इस मैच्योरिटी से थोड़ा पीछे हट सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी यहाँ पे दिखानी होगी। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको बहुत ही हो सकता है कि आपके फादर अलाउ ना करें या आपके घर के कोई बड़े सदस्य हों अलाउ ना करें। ये दोनों ही कार्ड बहुत बड़े लोगों की बात करते हैं, तो हो सकता है कि चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जाए और उस वजह से आपका मूड खराब हो जाए, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको सपोर्ट करें उनके लिए थैंकफुल रहिएगा, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए भी थैंकफुल रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक टेंशन आ सकती है इस हफ्ते के अंदर जब आपको ये लगे कि आपके मन की बातें नहीं हो रही हैं। तो अगर आप चीजों को लेट को करें, अगर आप एक थैंक यू वाली एनर्जी में रहेंगे तो आपके ऊपर चीजें हावी नहीं होंगी, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं और ओपन हैं। और यहाँ पर ये कार्ड आपके रिबर्थ की बात करता है, यानी कि ये 10 of Swords का कार्ड है, आपकी सिचुएशन में किसी ऐसी बात के बारे में बात करता है जहां पर आप अपने विजडम को किसी सिचुएशन में यूज नहीं कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए 10 of Swords की एनर्जी आ जाती है। ये आपके लिए जो कार्ड है नीचे की, ये पॉसिबल ब्लॉकेजेस में है कि क्या क्या हो सकती हैं, ये क्लैरिफायर है आपके लिए इन कार्ड्स के। तो हेरोफेंट का कार्ड आपकी विजडम की बात करता है, डिवाइन से आपका कनेक्शन डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगा, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट रहेगा, तो आपको थॉट्स और आइडियाज लगातार आते रहेंगे, किसी भी नए काम को करने का उत्साह आप में बना रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेके काम नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी में किसी काम को नहीं कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कैसे कैसे किस काम को करना है। बहुत ज्यादा कोई काम करेंगे तो लास्ट में अपने आप को आप थका लेंगे तो फिर आप ज्यादा कोई काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने साथ भी टाइम एंजॉय कीजिएगा और जिस टाइम को अपने साथ आप बैठ के एंजॉय करना चाहें या फिर आप अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहें तो उस टाइम पीरियड में सैड नहीं होइएगा। अपनी एनर्जीज को सैडनेस वाली एनर्जी से ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में जैसे ही आप शिफ्ट कर लेंगे तो जो भी स्थितियां या फिर लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे उनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहेगा। बहुत ही लॉजिकल होकर आपको सोचना है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको चलना है अगर आप अपनी खुशियां मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, इसके नीचे ही कार्ड है लाफ्टर का। आपके लिए हंसना और चीजों को सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी आप अपनी सारी सिचुएशन को एंजॉय कर पाएंगे। पेट्स हैं तो उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई पेट इस दुनिया में नहीं रहा है तो उसकी तरफ से भी आपके लिए मैसेज है और बहुत सारा प्यार है यहाँ पे। उसकी एनर्जी से भी आपको थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए उस सैडनेस वाली एनर्जी से, और आपका पेट आपको बहुत सारा प्यार यहाँ भेज रहा है, और अगर आपके पास में जो पेट है वो अभी है इस दुनिया में तो भी वो आपको अपना बहुत सारा प्यार भेज रहा है। तो आपका पेट आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ पर भी पेट है और यहाँ पर भी पेट है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए पेट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जानवरों के साथ या चिड़ियों के साथ समय बिताना इंपॉर्टेंट हो सकता है, खुले में जाना इंपॉर्टेंट हो सकता है, नेचर में बैठना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जहां पर अगर आपको लगे आपके घर के आसपास कोई पार्क है या फिर कोई ग्रीनरी वाली जगह है, ग्रीन जगह है, आप वहां पर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और आपकी जो भी सिचुएशन हो पेशेंस को नहीं खोइएगा, ये आपके लिए, क्योंकि हमने ब्लॉकेजेस में निकाले हैं तो पेशेंस आप अपना लूज कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा अपना पेशेंस आप बनाए रखें। नियम इसका कार्ड कहता है कि अपने अंतर की अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही आप करेंगे। अगर इसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आपको इससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हेरोफेंट की एनर्जीज में जाने का मौका मिलेगा। अगर आप इसको नहीं सुनेंगे या फिर किसी टॉक्सिक चीज को अपने ऊपर हावी करेंगे तो फिर 5 of Cups की एनर्जीज में आप जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल देखिए चॉइस हमारी ही रहती है, डिसाइड हमें ही करना होता है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप खुद की एनर्जीज को किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आपकी फैमिली में भी हो सकता है कुछ इश्यूज हो या फिर कोई बहसबाजी हो जाए या फिर आपको अपनी फैमिली मेंबर्स की, आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी बात पसंद ना आए तो भी आपको यहाँ पे पेशेंस लूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स के साथ में जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, आपको लगे कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते या आपके पेरेंट्स को लगे कि आप उनको नहीं समझते। जो भी सिचुएशन हो उसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका कार्ड जो है मैच्योरिटी का ये ब्लॉकेजेस में है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ें अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो आपको ही बैलेंस बनाना है, कि आपको यहाँ पर पता है कि आपके लिए ही कार्ड पेशेंस का यहाँ पर ब्लॉकेजेस में है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें आप वन स्टेप एट ए टाइम कीजिएगा, यानी कि एक एक कदम उठाइएगा। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे कैंपिंग में, किसी टूर पे, किसी सिचुएशन में, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। सभी पाइल के लिए गुड न्यूज़ की बात जरूर आई है रीडिंग में, तो अपने फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा सा यहाँ बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके ऊपर ज्यादा उसका असर ना पड़े। यहाँ पे मैसेज है चिल्ड्रन का, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू हेल्प चिल्ड्रन। और अगर आप माता पिता हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपके बच्चे हैं ऐसे जो कि आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, कुछ मनमानी कर रहे हैं या फिर आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा। अगर वो बाई चांस किसी कैंप में जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, किसी यात्रा में हैं और आप परेशान हैं उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर, तो आप आर्चेंजल राफेल से जरूर प्रेयर कीजिए कि वो आपके बच्चों की मदद करे और वो मदद जरूर करेंगे। ओवरऑल आपका वीक बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप यहाँ पर अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लेते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है 10 of cups का, तो एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ में, बैलेंस भी आएगा, लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।